हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीवी डिजाइन। गैस, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही शानदार प्लान लेकर आए हैं, जिसका साइज प्लॉट है आपका बहुत ही कम है, यानी 300 स्क्वायर फीट एरिया में है। सिर्फ और सिर्फ 300 स्क्वायर फीट एरिया में इसका ये आपको 1 BHK मिलने वाला है। सो गैस, वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसका जो साइज है 15 फीट बाई 20 फीट का है, सिर्फ और सिर्फ 15 फीट चौड़ाई है और आपकी गहराई है 20 फीट। ओके, तो इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, हम आपको चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को। और भी ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे सारे वीडियो वॉच कर सकें। सो गाइस, इसको वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। तो चलिए, इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये आपका रोड है इस तरह से, और इसका जो फ्रंट है ये आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये बालकनी टाइप बनाई गई है, तो ये बालकनी नहीं है, ये आपका जो लैंडिंग रहेगा स्टेयरकेस का, ठीक है। तो इसी के जस्ट नीचे 8 फीट हाइट का आप यहाँ पे आप गेट लगा सकते हैं, 8 फीट हाइट का, और ज्यादा से ज्यादा 5 फीट, 4-5 फीट का आप गेट लगा सकते हैं। इतनी यहाँ पे जगह आराम से मिल जाती है, ठीक है। उसके आगे जाते ही आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम हॉल मिल जाएगा। इसी में आपको मिलने वाला है किचन एंड डाइनिंग कम्बाइंड है, जिसका साइज टोटल आपका 11 फीट 10 इंच बाई 9 फीट का है। वो है गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका 11 फीट 10 इंच है। इसमें आपका स्टेयर केस का नहीं लगाया गया है, ये एरिया अलग है, ठीक है। जो इतना साइज है ये आपका 11 फीट 10 इंच बाई 9 फीट है। तो इसमें इस तरह से आप यहाँ पे डाइनिंग सेटअप कर सकते हैं, और इधर आपकी ये स्लैब डल जाएगी, इस पे यहाँ पे आपका फ्रिज का प्रोग्राम बन जाएगा, यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आपके वेंटिलेशन के लिए फुल OTS में ये विंडो लगाई गई है 3 फीट की। एक आउटर साइड भी यहाँ पे आपके गेट की साइड भी 4 फीट का विंडो दिया गया है, जिससे कि बहुत ही शानदार लुक यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है गाइस। फिर क्या होता है, आपको स्टेयर केस के पास चलते हैं। ये स्टेयर केस यहाँ से अपवर्ड है, तो यहाँ से आपको क्लॉक वाइज ये मिलने वाला है। इसी के साइड में ये रेलिंग लगेगी यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी यहाँ तक जो है 12 स्टेप हैं। 12 स्टेप में अगर प्रत्येक स्टेप की अगर आप हाइट 7-8 इंच रखते हैं तो आपका 8 फिट हो जाएगा हाइट गेट का, और अगर 7.5 इंच रखते हैं तो 7.5 फिट हो जाएगा, क्योंकि ये 12 स्टेप हैं, ठीक है। और यहाँ से 4 स्टेप यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे, अगर फर्स्ट फ्लोर पे हैं सेकंड फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। इस तरह से ये कंटिन्यूस स्टेयरकेस बन जाएगा, ठीक है गाइस। फिर और इसका जो बता दें कि इसकी स्टेयरकेस की जो चौड़ाई है आपकी प्रत्येक स्टेप की, वो है आपकी 2 फिट 6 इंच, और जो इसकी ट्रेड है 9 इंच की गाइस, ठीक है। ट्रेड इसको बोलते हैं जिसपे पैर रखते हैं, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे 3 इंच का ये गैप दिया गया है, ये प्रत्येक डॉग लेग्ड स्टेयर केस में होता ही है। और आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आप ये लैंडिंग मिलेगी जो कि गेट पे आगे छज्जा निकाला ही जाता है, तो उस पर्पज से भी यूज हो जाएगी और आपके लैंडिंग में भी यूज हो जाएगी। फिर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, इस अपने डाइनिंग एरिया में ऊपर भी इससे चीज रहेगी, ठीक है। अब आगे आने पर आपको ये गेट मिलने वाला है, ये गेट से एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री बेडरूम में होती है। तो बेडरूम का जो आपका साइज है वो 10 फिट बाई 10 फिट है। इस तरह से आप अपना बेड का सेटअप कर सकते हैं, और इसी में आपको एक कम्बाइंड लेट बाथ दिया हुआ है अटैच, ठीक है। अटैच है बेडरूम से लेकिन कम्बाइंड है, कम्बाइंड लेट बाथ यानी दोनों है, ठीक है।
तो लेट कम बात है, इसका जो साइज है इसका 4 फीट बाई 6 फीट 8 इंच है गाइस, ठीक है। तो इस तरह से ये कमेंट रहेगा। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इसको ओटीएस में एक वेंटिलेटर दिया गया है 2 फीट का, और इस ओटीएस का जो साइज है आपका 4 फीट बाई 3 फीट है। ये ओपन टू स्काई होता है ओटीएस का मतलब, तो इसमें आपको स्लिप कास्ट नहीं करनी होती है। और ये जो आपका बेडरूम है, बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 3 फीट की विंडो दी गई हुई है, और इस किचन के लिए भी इसके वेंटिलेशन के लिए जो है यहाँ पे विंडो दी गई है, तो आपको इसमें वेंटिलेशन की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये सबसे छोटा यानी 300 स्क्वायर फीट एरिया का ये प्लान आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना। और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपको भी अपना बनवाना है, बिल्डिंग डिजाइन करवाना है, तो आप भी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्रिएटिव प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।